Brought to you by My 11 Circle. Win second prize 1 crore. Download now. IPL 2023 का पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच में खेला गया, जिसमें डिफेंडिंग चैंपियंस गुजरात टाइटंस ने 5 विकेट से जीत दर्ज की। इस मैच के आखिरी ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान MS धोनी विकेट कीपिंग के दौरान गेंद पकड़ते समय घुटने के दर्द से कराहते हुए नजर आए। MS धोनी मैच शुरू होने से पहले ही अपने घुटने की चोट से जूझ रहे थे और सवाल भी उठ रहे थे कि क्या वो अपना पहला मैच खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। ऐसे में क्या माही अगले मैच से बाहर हो जाएंगे या नहीं, इस पर भी सवाल हो रहा है। इस बात को लेकर चेन्नई सुपर किंग्स के हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग्स ने अब जवाब दे दिया है। उन्होंने बताया ये केवल क्रैम्प था। स्टीफन फ्लेमिंग ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा, 19वें ओवर में यह MS धोनी के लिए सिर्फ एक क्रैम्प था, घुटने की कोई समस्या नहीं। वो इस उम्र में अपनी सीमाओं को जानते हैं, लेकिन फिर भी वो एक महान कप्तान है, बल्ले के साथ अपना किरदार अदा करेंगे। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैप।